पहला प्रश्न है ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मगही किस भाषा की बोली है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों बताओ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सौर सेनी। आपका प्रश्न अगला है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, इसका राइट आंसर है सी 1956। अगला प्रश्न है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1949। छठवां क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी कौन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए 14 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है सी काव्य भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर है ए राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर है भारूपीय। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर है तेलुगु सी। चौदह है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी काव्य भाषा। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजभाषा। अगला प्रश्न है ढूढाली बोली है, तो ढूढाली बोली है कहाँ की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बघेली। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाली प्राकृत अभ्रम हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रज भाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों बताओ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सौर सेनी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी क्या है दोस्तों बताओ जल्दी से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अगवाह वर्ण कौन से है, तो बताओ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हम और अह। नेक्स्ट प्रश्न है वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं बताओ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क और ख। नेक्स्ट प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड ढ।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क ग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या। नेक्स्ट प्रश्न है, ए ए वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में हयोग वाह वर्ण कौन से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम और अह। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मा। अगला प्रश्न है, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी की। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52। नेक्स्ट प्रश्न है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, का। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, बताओ दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज प्लस ज्ञ। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स। नेक्स्ट प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो कौन नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट। नेक्स्ट प्रश्न है, छह वर्ण किसके सहयोग से बना है, बताओ दोस्तों किसके सहयोग से बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क प्लस स। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 होती है कुल स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या स्वर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है, कौन ट वर्ग नहीं है बताओ दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घ ट वर्ग का नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, आ। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है? तो बताओ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग। धन्यवाद दोस्तों।